गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ले जाएंगे वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला और गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। व्यास जी की गुफा करीब 3200 मीटर यानी 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और इसी पावन गुफा से आज हम पंडित जी के मुख से उसका महत्व सुनेंगे। महाराज भगवान की आनंद चंद्र वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सब की रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था, आपने उसके हो तीन भाग किए। वेद को कुल चार भागों में बांटने के कारण ही आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, ग्रंथों का भी विस्तार, जीवन का भी विस्तार, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। तो आप जन्म होते विशाल क्यों हुए? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मच्छगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी, उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेद व्यास जी जन्म होते विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण, और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी में, कालपी कहाँ पड़ती है? कानपुर और झांसी के बीच। तो जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में, झांसी में। और ग्रंथों को कहाँ लिखा? माणा में। ग्रंथों को कहां सुनाया? लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में। वाह मेरे वेद व्यास, अरे कहां जन्म हुआ, कहां लिखा, कहां सुनाया, धन्य हो। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो चार भागों में तो बांट डाला, और आप ही ने लिखा कि स्त्री सुदुतुज बंधु नाम त्रैनो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है सज्जनों। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा अरे जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञान उपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास भाई, अरे फोट नहीं भाई, हेलो वीडियो बना रहे, भगवान आइए, भगवान का लीला ना कहा जी, क्षमा कर, क्या चल रहा था? ये तो फोटो वालों ने तो बीच में क्या शब्द निकल रहा था? स्त्री सुदुतुज बंधु नाम त्रैनो सुति गोचराः। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञान उपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए, चाहे कोई हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में जो 1,00,000 श्लोक हैं जी, कलयुग आने वाला है जी, द्वापर का अंतिम समय है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौ द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखा, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि संतमार ही रंब प्यासो सत्यवती सुधा हो स्मृत मात्र हो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक हो। गणेश जी है, गणेश जी ने कहा कि अमृत उसमें मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे, श्रुते उत प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखने क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेख को। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास, रुक गई तो आगे नहीं चले गए, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना,
अरे यस्मिन अश्लोके अहम वक्तव्यम तो अन्य व्याख्या भी लिखा। मैं भी जिस अश्लोक को कहूंगा आप भी सोचा समझ के लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु का अवतार ही है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म निदाय वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णु के लिए कहां दूर होता है। विष्णु तो सिया राम माया सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जोग पानी। ये तो सहस्र शीर्खा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्र पाद। अरे दो हाथ और दो पांव वाले ने इतनी जगह घेर ली जिसके हजारों हाथ और हजारों पैर होंगे। लंबोदरा न जाने गणेश जी का पेट कितना लंबा चौड़ा था, पहाड़ पहाड़ जैसे गणेश जी के कान थे। तो इतनी दूरी रही होगी इन दोनों में। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु के अवतार ही है। परंतु महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ, तम दृष्टा परम प्रीति व्यास सत्यवती सुता हो कृत्ता अर्घमासनम दत्ता पक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्टा वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा परम प्रीति ही प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घमासनम दत्वा पहले आसन दिया, अर्घ से उनके पादों का प्रच्छालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की, प्रपक्षम कुशलम मुनि अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहले ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया तब भी यह चित्त जो शांत नहीं हो रहा है। अब गौर से विचार कीजिए, आपने ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर ली और तब भी आत्म संतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे वेदव्यास धन्य हो, धन्य हो। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम निगम कल्पतरोगलतम फलम, कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, क्या संसार में दो ही काम रह गया क्या कि पुनर्भिजननम पुनर्भिमरणम, तीसरा काम नहीं है क्या। जब तक आपने भक्तों को गोविंद रूपी रस का पान नहीं दिया वेदव्यास, तब तक आपका जो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और इस धूली के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद भागवत महापुराण की रचना की थी। वेदव्यास का प्राचीन विग्रह, वेदव्यास जी का नया विग्रह 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहुजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार, इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहां रह गया मद्रास, कहां रह गया माणा, कहां रह गया। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए भी। भगवान विष्णु शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा, जन्म लूंगा ना वो माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए और जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरभो विवेदोऽस्मि। ऐसे विरक्त महापुरुष हैं सुखदेव जी और ये वल्लभाचार्य जी 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए। अब गौर से विचार कीजिए सज्जनों, 500 वर्ष पहले कोई यातायात कोई साधन नहीं थे, कोई एम्बेसडर नहीं थी, कोई सोमो टाटा नहीं थी, कोई एरो का चिन्ह नहीं था, कोई पुल नहीं थे, कैसे आए होंगे। और वो भी छत्तीसगढ़ चंपारण्य से, वो भी 11 वर्ष की अवस्था पे एक ही सूत्र को लेके आए थे। क्या सूत्र था कि वेदव्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा, कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्र वर्धना।
तस्मिन् सात्मे व्यासो बद्री सन्नमंडिते आसेनो उपविश्य प्रणिदद्यो मन स्वयं। अरे जहां पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्यप्रास्तीर्थ हो। भागवत में कहते हैं अलकनंदा सरस्वती के संगम को सम्यप्रास्तीर्थ। अरे बद्री सन्नमंडिते, जहां पे बेर की झाड़ियां हो। बेर की झाड़ी क्यों हुई और चीज की झाड़ी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया और भगवान विष्णु जो है बर्फ के नीचे दबने लग गए। अब उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। तो जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया और ऊपर से छाया कर दी। जो बर्फ आया बेर की झाड़ी पे टिका, नीचे से भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान है। अब विष्णु ने कहा कि मुझसे अधिक कष्ट जो है लक्ष्मी ने किया, लिया जब मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जहां पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्यप्रास्तीर्थ हो, बेर की झाड़ियां हो, सोच लीजिए वहां पे वेदव्यास जी का पुण्य धाम होगा। छत्तीसगढ़ चंपारण्य से 11 वर्ष के बालक इस सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, और जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेदव्यास के दर्शन हुए। क्योंकि अश्वत्थामा बद्री व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परुच्य रामस्य सप्ते चिरंजीवी न। ये तो चिरंजीवी है, ये तो आज भी अंगुष्ठ मात्र में घूमते रहते महाराज। तो ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका, इस प्रकार का सत्संग कब प्राप्त होता है? तो वेदव्यास जी ने कहा कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित अज्ञान हेतु कृतमो हम अंधकार ना संविदाहित दो देते विवेक। भाग्योदय न, एक ही जन्म का नहीं बल। अरे जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है, तब भी तो इस प्रकार का सत्संग और ऐसे पुण्य धामों का दर्शन होता है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ब्राह्मण देवताओं की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।